लाओ मामा मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तू तो कोई ना कोई गलती जरूर ही करेगी। सबको पता नहीं चल जाएगा कि ये काली मेरी बेटी है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। पहले प्रीतो आके इन सबके साथ मिल गई और अब मामा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मामा आप अकेली नहीं हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मामा आपका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन मैं आपका साथ हमेशा दूंगी और मैं नानी को भी कह दूंगी कि आपको कुछ ना कहें। अरे मेरी बच्ची तो कितनी प्यारी है, मैंने तुझे इतने साल ऐसे ही गलत समझा। प्यारी ये सारा नाटक तुम्हें मम्मा को खुश करने के लिए कर रही हूँ, और मैं नहीं देख सकती कि मम्मा उस काली प्रीतो को ज्यादा प्यार करे और मुझे कम। और इस चीज को करने के लिए इस काली शनाया के साथ मुझे नाटक भी रचना पड़े तो यही सही, और वैसे भी इस नाटक के अंदर भी मैं इसे अपने काम तो निकलवा ही लूंगी और मम्मा अलग खुश हो जाएंगी। मुझे सिर्फ मम्मा को खुश करना है। नानी आज रात कहीं पर डिनर खाने चले क्या? हाँ हाँ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, पर अपनी मम्मा को मत बताना, उसको लेकर नहीं जाएंगे। पर क्यों नानी, मम्मा को भी लेके चलते हैं। अरे क्यों शनाया, तेरी मम्मा को क्यों लेकर जाना है? जहाँ ले जाओ उसको वो कलेश कर देती है और वहाँ का माहौल खराब हो जाता है। पर मम्मा जब अकेले घर पर होती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। शनाया ये तो क्या बोल रही है, देखो मम्मा कितनी चिंता क्यों हो रही है। जरूर पुनीत नहीं तेरे को कोई पट्टियाँ पढ़ाई होंगी। नहीं मम्मा ने मेरे को कुछ नहीं कहा। सच सच बता शनाया। लेकिन मैं मम्मा को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहती। लगता है मेरी गेम सेट हो रही है, शनाया मेरी साइड है। अगर शनाया मेरी साइड तो ये सारे मेरी साइड। Later. क्या हो गया मम्मा, क्या हो गया मम्मा, आपके पैर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ शनाया मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मार्केट कैसे जाऊंगी? पर आपको मार्केट जाना है क्यों है? बेटा घर का सामान लाना था, दही बेसन ये सारी चीजें, अगर मैं मार्केट से नहीं लाऊंगी तो रात को खाना कैसे बनाऊंगी? तुझे भी नहीं कह सकती, तू तो छोटी है ना। नहीं मम्मा मैं ले आती हूँ। पक्का? पक्का। तू ले आएगी? हाँ जी, आप मेरे को लिस्ट बना दो, मैं सब ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, बट बेटा तू ना नानी को मत बताना कि तू सारा घर का सामान लेकर आई है, नहीं तो वो सोचेगी कि मैंने तुझे भेजा है सामान लाने। हाँ हाँ मम्मा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है ठीक है, मैं ले आती हूँ। चलो ये काम अच्छा हो गया, मुझे अब बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा धूप में, नहीं तो उस धूप से ना मेरी सारी स्किन टैन हो जाती है। शनाया को क्या फर्क पड़ना है, ये तो वैसे ही इतनी काली है। Later. शनाया आपने चीटिंग की है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। अनन्या दी आपने देखा ना शनाया दी ने चीटिंग की है। मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम अपने आप में सॉर्ट आउट कर लो। शनाया दी ने आपने की है, शनाया दी नहीं, शनाया ने चीटिंग नहीं की है। सियान सियान नहीं सियान, शनाया ने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने देखा है। पुनीत। हाँ जी आई रमनी। पुनीत। हाँ जी आ गई रमनी। दोनों सुन लो, शनाया ने बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करी और उसको अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? क्या बात है शनाया,
आज मम्मी ने तो तेरी साइड ली है। हाँ आजकल मम्मा मुझसे बहुत प्यार करने लग गई हैं। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चल नानी को बताते हैं। नानी मैं आपके बहुत खुशी की बात बताऊं। कैसी बात? ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मेरी शनाया खुश है। और ये तो बहुत ही सुकून की बात है कि पुनीत अब शनाया से प्यार करने लगी है। फिर तो मेरा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल पूरा हो गया। पर मामा ऐसा भी तो हो सकता है कि पुनीत सियान और अनान्या के सामने शनाया के साथ अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। देखने वाली बात तो ये है कि अकेले में वो शनाया के साथ कैसे बिहेव करती है। ये बात तो है। मम्मा मुझसे अकेले में भी बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। बेटा तू बहुत भोली है, अगर वो तेरे से अपना मतलब निकाल भी रही होगी ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। ठीक कहा प्रीतो, मुझे इसकी असलियत तक तो पहुंचना पड़ेगा, मैं पता लगाती हूँ। मम्मा मेको ना मेरी ये टॉप ना बहुत टाइट हो गई है, इनफैक्ट मेको मेरे सारे कपड़े ना बहुत टाइट हो गए हैं, लगता है मैं लंबी हो गई हूँ। अच्छा आप मुझे न्यू कपड़े ले दो। उस काली को नए कपड़े लेके देने पड़ेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, मेरी बेटी नए कपड़े मांगे और उसको मैं ना लेकर दूँ, ऐसा हो सकता है? रुक ना, ये मैंने ना यहाँ पे शॉपिंग ऐप खोल दी है, तुझे इसमें जो भी पसंद हो ना तू इसमें कार्ट में डाल दियो, ठीक है? सच मामा? हाँ हाँ मुझे जब टाइम मिलेगा मैं इसको ऑर्डर कर दूंगी। ले ले ले, ले। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक सब सपना है। मामा को बताती हूँ। मामा मामा मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया है, शनाया पुनीत के साथ खुश है। हाँ प्रीतो तू ठीक कह रही है, हमें अब चलना चाहिए। Later. अच्छा रमी मैं चलती हूँ, प्रीतो मेरा नीचे कैब में वेट कर रही है। ठीक है मम्मा आते रहना। बाय। मम्मा मेरे को जो जो पसंद आया मैंने वो कार्ड में ऐड कर लिया, आप देख लो। ये क्या है शनाया, तुमने 12 ड्रेसेस ऐड कर दी हैं कार्ट में? मम्मा आपने तो कहा था जो जो पसंद आएगा कार्ट में ऐड कर देना। ओ हेलो, ये थोड़ी ना कहा था कि 12 ड्रेसेस ऐड कर दो, तुमने अपनी शक्ल देखी है क्या? इतने महंगे और सुंदर कपड़े तुम पर अच्छे लगेंगे, अकल ठिकाने पे है कि नहीं? अरे क्या हो गया मामा? वो मेरा पर्स तो पुनीत के ड्रेसिंग में ही रह गया। अरे मैं ले लेती हूँ। मम्मा आपको क्या होने लग गया है? मम्मा आप तो मेरे से प्यार करने लगी थी ना। हटाओ अपना काला हाथ। मम्मा, हटाओ मेरे से। आप मेरे से प्यार करने लगी थी ना। मैं काली हो जाऊंगी, अपना काला हाथ हटाओ। हटा मैंने कहा ना अपना काला हाथ हटा, हटा हट। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज
हमारे घर में आए हैं स्पेशल गेस्ट। वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग पे। हम तो सुपर एक्साइटेड हैं उनको वेलकम करने के लिए। आपको देखना है कौन सा गेस्ट आया है, तो फिर क्लिक 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 क